क्लिक टाइप की होगी, सही लगा आधा घंटे। चलो देखो ये प्लस में ना 48 प्लस, अब ये ब्रैकेट वाले जो है बड़ा ब्रैकेट पहले नहीं छुएंगे, माइनस लिखा हुआ है, छोटा ब्रैकेट मझला वाला नहीं चालू छुएंगे, ये वाला पहले सॉल्व करेंगे। इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर भी गुणा भाग सब दिखा है, पहले भाग वाला दो का भाग 16 में दो का कितना आएगा 8, अब 8 का 4 में गुणा हो जाएगा कितना आएगा 32, 32 में 11 कम कर लो कितने आएंगे 21, तो ये सॉल्व हो गया 32 11 कम, और अब ये मंजिला बचा है, ठीक है इतना सा करना था। उसके बाद दोबारा में फिर एक बार लिख दो इसे करके, अब ये इसके अंदर वाला भी सॉल्व कर सकते हो सब एक साथ, 20 में से 21 कम करो कितना बचेगा, माइनस का एक, माइनस का एक है और माइनस बाहर लगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है माइनस बाहर का लगाओ तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा प्लस हो जाता, तो प्लस एक इसमें हो जाएगा कितना हो जाएगा 26, जोड़ो आपसे 14 4 2 6 एक साथ सुनो यार, हम कहीं गलती कर दिए होंगे, माइनस प्लस तो नहीं गड़बड़ किया है, पहला प्लस लिखा है सर, माइनस है पहला माइनस, अगर ये माइनस 21 बचेगा उसके बाद 20 के बाद फिर से माइनस है, माइनस माइनस माइनस, यहां पर माइनस है ना, सही है ना, बत्तीस में से 11 जाएंगे, 32 में से 11 जाएंगे, 21 माइनस 21 आएगा, जब माइनस का 21 आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस प्लस, तो माइनस का 21 इतने को सॉल्व किया तो माइनस का 21 आया, जब इसमें आएगा तो प्लस 41 हो जाएगा, अरे यार तो घटा क्यों दिया था मैंने, 40 होगा, ठीक है घटाना नहीं था, ये माइनस का 21, माइनस का 21 आएगा ना यहाँ पर, जब 41 हो जाएगा माइनस का 41, माइनस का 21 हुआ, ये माइनस लगा तो 41 हो जाएगा, 40 20 41 हो जाएगा, 41 कम हो जाएगा 25 माइनस का कम नहीं, ठीक है माइनस का 41 हो गया, अब इसको सॉल्व कर लो इसका साथ, वो कितने बचे 41 में से पहले पहले जोड़ का कर लो, जोड़ कर लो 8 5 13, तो तुमने कहा था जोड़ पहले कर घटाना बाद में, वर्ड मास के हिसाब से 8 5 13 और 4 2 6 एक साथ 73 में से 41 कम करोगे तो 3 में से 1 गया 2 आपकी माइनस प्लस का गड़बड़ नहीं करना, चलो अपने लिए बोल रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले पहले सॉल्व करो, इसके अंदर वाले पहले सॉल्व कर लेना, उसके बाद सॉल्व करते हुए आना, ये सर 60 के बाद भाग है कि माइनस, 60 के बाद डिवाइड है, 60 के बाद 4 का डिवाइड है, सिंपलीफिकेशन का तो क्वेश्चन आया था ऐसे ही, लड़कों को
हेलो करें, ये वाला पहले इसमें डिवाइड होगा, चार का साठ डिवाइड होगा तो बारह आएगा, बारह 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 नहीं पंद्रह, पंद्रह चौक साठ होता है ना, तो पंद्रह आ जाएगा, कि पंद्रह का इसमें गुणा होगा, पंद्रह बना पचहत्तर, बोल के सुपर बगल चार का भाग देंगे पंद्रह आएगा, पंद्रह पन्ना पचहत्तर, क्यों पूरा कराएंगे, क्योंकि रूल है डिवाइड के बाद जुड़ा ही होता है, पंद्रह पन्ना पचहत्तर, पचहत्तर से कम करेंगे इकतीस, जब पचहत्तर से कम करेंगे इकतीस कितना आएगा चवालीस, लेकिन माइनस का, तो ये जब सॉल्व किया तो माइनस चवालीस आया, क्योंकि बहत्तर डिवाइड अड़तीस और ये छोटा ब्रैकेट माइनस का लगा हुआ तीस, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया था माइनस का चवालीस, माइनस का चवालीस आया था, तो ये बाहर माइनस लगा हुआ था तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस का चवालीस आया था अंदर, इसको करने से माइनस का चवालीस आया था तो बाहर माइनस लगा हुआ है प्लस का हो जाएगा, ठीक, तो प्लस का हो गया चवालीस, तो चवालीस और तीस कितना हो गया चौहत्तर, चौहत्तर में अड़तीस कम करना है, उसके बाद में सात से भाग देना है, बहत्तर से भाग देना है, ठीक है, तो चौहत्तर से कम करो भाई, छत्तीस माइनस का छत्तीस आया, और माइनस के छत्तीस का भाग किसमें देना है बहत्तर में, छत्तीस का भाग जब बहत्तर दोगे तो दूना होता है छत्तीस दूनी बहत्तर होता है, माइनस का, माइनस का छत्तीस दूनी बहत्तर होता है, ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसे कर लेना, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं करना, ब्रैकेट छोटा वाला सॉल्व किया तो माइनस चवालीस ऐसे मुझबानी करनी है, पेन से ही पेन से कर देना है, हाँ ये एलिगेशन से कर लो यार, ये पेपर में आता है इम्पोर्टेंट मान लो, और एक परीक्षा में परीक्षार्थी को पते सही उत्तर के लिए पांच अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए दो अंक काट दिए जाते हैं, अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया, तो एलिगेशन किए किया तो एलिगेशन वाले ही चीजें बता देते हैं, जिनको एलिगेशन आता है वो यूज करके करें और जो लोग नहीं आता वो मत करते जाओ, ठीक है, ये सवाल तो ऐसे हैं जो मतलब बरसों से चले आ रहे हैं, एक सौ कितने 120 प्रश्न है, 120 प्रश्न है, इसमें क्या हुआ कि गलत सही उत्तर के लिए कितने मिल रहे हैं, सही उत्तर के लिए पांच अंक मिल रहे हैं, ठीक, और गलत उत्तर के लिए काटे गए रहे, तो मान लो अगर 120 प्रश्न के उत्तर है पूरे सही कर दिए उसने तो कितने नंबर आएंगे, 12 पंचे, हाँ 12 पंचे 120 का गुणा हो जाएगा, बिना जाएगा 600, ठीक है, 12 पंचे 60 करेक्ट, यार बोल रहा है ठीक है, 120 का गुणा कराएंगे इसमें तो अगर मान लो सारे गलत हो गए तो कितने नंबर आएंगे उसके, 12 दुनी 24 240 का भी पटक रहे हैं, ठीक है, तो ये नंबर सही वाले हैं और ये गलत वाले हैं, अब उसको मिले कितने नंबर हैं दोनों में से, उसको कितने मिले एलिगेशन 285 ऐसे करोगे, तो ये जो इनके बीच का डिफरेंस किया जाता है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस करोगे यानी 600 में से घटाया जाएगा 285 कितना आएगा 315, तुम यार सही बताना ना रहे सही है, ठीक है 315, और 285 में से 240 घटाओगे कितना आएगा 45, ऐसे नहीं माइनस का है बेटा, यार 285 में से 240 घटाओगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है जुड़ जाएगा, तो कितना जुड़ जाएगा 525, इनको रेशियो काट ले तो कितनी बार जाएगा 5 बार तो जाएगा ही जाएगा, 5 का 5 पचम 25, 5 छक 30, 5 तेईस 15, अभी 3 से जाएगा ये 3 छ 9 53 15, 3 में 6, 3 में 6 कम 3, अबे 7 से जाएगा यार गड़बड़ हो गया, 7 पना 35 यानी 5 और 3 का अनुपात आया कितना 5 और 3 का, ये टोटल
प्रश्न आए हैं पांच तीन के अनुपात में, तो मैंने कहा था कि क्या दिया गया टोटल कितना दिया गया 120, तो पांच और तीन का अनुपात दिया है तो कितना हो गया पांच तीन आठ का, यानी आठ की वैल्यू दी गई किसके बराबर 180 के बराबर। कितने का गुणा हो रहा है 15 का, 15 गुणा हो रहा तो जो पूछा जाए उसमें भी 15 का गुणा करा दो। ये आठ की वैल्यू दी जा रही है 120 के बराबर, जो पूछा जा तो बोला सही उत्तर बताओ, सही उत्तर क्या है ये इसमें भी 15 का गुणा करा दो बस 75 सही है, गलत पूछा जाता तो उसमें ही 15 करा देते समझो। 120 प्रश्न है, पांच सही मिलते हैं नंबर, पांच अंक सब सही मिलते हैं और दो अंक काट दिए जाते हैं, सही उत्तर के लिए पांच अंक मिलते हैं और दो अंक काट दिए जाते हैं गलत उत्तर के लिए। मान लो सारे सही कर दिए 120 प्रश्न, एक प्रश्न के पांच मिलते हैं कितने मिलेंगे 600 नंबर मिल जाएंगे, मान लो सारे गलत कर दिए तो कितने मिलेंगे 240 कट जाएंगे उसके, क्योंकि दो नंबर काट लिए जाते हैं काट लिए, लेकिन टोटल उसको मिला क्या मिश्रण दोनों का मिला कितना था 285, ठीक है तो बीच में रख लिया जाता है। तो एलिगेशन का रूल यही है कि इनके बीच का अंतर एज क्रॉस में रख लिया जाता है, तो जब 600 में से 285 घटाया तो 315, फिर 285 में से 240 घटाया तो घटाने में क्या होगा माइनस का था ना ये, तो माइनस की वजह से 522 25 आया जुड़ गया था। अब ये जब रेशियो निकाला तो ये जो निकलता है ना ये कुल प्रश्न निकले पांच तीन का, तो कुल प्रश्न पांच तीन है, पांच तीन में बांटना है, पांच तीन में 120 बांटना है। अभी बांटने वाला तरीका मैंने बताया था कि अगर पांच तीन में कोई चीज बांटनी हो तो क्या करना है, ये टोटल लिख लो कितना होता है आठ, अब इसको बांटना तो देख लो कितने का गुणा हो रहा है, कितने हो रहा है 15 का गुणा हो रहा है, तो जो पूछा जाए उसको 15 गुणा करा दो 75 आंसर पूछा था सही वाला सही और गलत अनुपात ये था, सही वाला पूछा जा रहा है। रेशियो जो है वो 7:3 का निकल रहा है तो गलत निकल रहा तुम्हारा, आंसर तो सही आ रहा मेरा सर 5:63 तक सही है, ठीक है चलो काट लिए थे तुम्हारे सामने 525 आ रहा ना, तुम्हें जुड़वाया गया तुम गलत करवा रहे हो 525 और 315 करवाया देने 5 × 5 = 25 5 × 6 = 25 5 × 6 = 15 लिखा है 2 × 2 50 2 × 1 = 50 और इसका दोगुना कर दिया जाए तो कितना आंसर आएगा बताए कोई जल्दी से, 2 × 1 = 50 अच्छा लग रहा प्रीवियस पेपर खूब लगाया हुई थी, पेपर दिया रहेगा पिछले साल पुलिस का देखा था 2009 में किया था, ठीक है आंसर इसका सही है 2 × 1 = 51 आएगा दो की पावर 50 है और कह रहा है इसका दुगना कर दो, दुगना मतलब 2 × 1 है बिल्कुल, तो दुगना कर दिया हमने इसका, तो याद रखो कि जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है, कभी भी बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाती है, ये बेस तो बराबर है ना तो पावर जुड़ जाएगी, यानी 50 + 1 कितना हो जाएगा 2 × 51 तो बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाती है, जब पावर बराबर होती है तो बेस अभी बांटना सबको आ गया होगा कैसे बांटा जाता है, कई बार मैंने बताया कि बांटा किसी चीज में जाए विभाजित किया जाए, 154 को 9 और 5 के अनुपात में बांटना है बड़ा करो, किसी चीज को बांटना पता होना चाहिए, जैसे आम रहता है तीन में आपस में अनुपात में बांटना हो ब्लैक तीन और दो के अनुपात में टोटल बांटना हो बता दो 60 में बताओ कितने लड़कियां अलग अलग तो 154 है ना, पहले बताओ कितना रस्सी लंबी है 9 और 5 के अनुपात में बांटना है, तो पहले टोटल कर लो 9 × 5 = 13 होता है, 13 दिया कितना गया 14 होता है,
चौदह तो नौ पाँच चौदह होता है, 154 में बांटना था तो 14 कितनी बार गुणा करा इसमें, 11 बार। ठीक है, 11 बार गुणा होगा। कैसे पता चलता है? 14 का भाग दे दो, 14 का 14 11 गुणा हुआ है। अब जो पूछा गया उसका मान निकल आएगा। किसका पूछा गया है? छोटे वाले, छोटे वाला ये है टुकड़ा जिसमें भी 11 गुणा कर दो, 55 आंसर। किसी चीज को बांटना हो तो तुरंत कर लिया करो, विभाजित करना हो उनके बीच में आपस में बांटना हो। चलो ठीक है, ये पांच वाला है तो बहुत आसान है। सबको पांच का आखिरी में पांच और उसका वर्ग निकालना आना चाहिए। दिखा देते हैं भाई, जिनको नहीं आता वो भी सीख लेंगे। बताओ भैया कौन संख्या वर्ग है, कौन संख्या इसमें वर्ग है, यानी किसी का वर्ग है? कौन सा आंसर आ रहा है? हाँ लास्ट वाला, ये वाला यार तुम तो बिल्कुल सही है। नहीं भाई तो बिल्कुल वर्ग नहीं ढूंढना है, बाकी तीन वर्ग है, एक ऐसी होगी जो पांच का था, 300 पांच का था, ये 300 925 से 305 का था, नहीं 35 अबे 95 का, 95 का। ठीक है बाकी बताओ। बी वाला, बी वाला, बी वाला, ये भी गलत। सी वाला है, सी वाला, सी वाला सही है। रूल ये उत्तर बताया पांच के मामले में। देखो अगर 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 कोई संख्या यहाँ पर है, इसके बगल में पांच है, इसके बगल में पांच है, ठीक है, मान लो यहाँ कोई संख्या x है, इसके बगल में पांच है, इसका स्क्वायर करना हो कभी भी तो इसका भी स्क्वायर लिख दिया जाता है सीधा से। इसमें एक बढ़ा करके गुणा करा दिया जाता है, इसमें एक बढ़ा करके गुणा करा दिया जाता है। ठीक, इसमें एक बढ़ा करके, एक बढ़ाओगे कितना करेगा, x प्लस 1 का इसमें गुणा करा दो, x का जो भी आया कर दो। यानी समझने का मतलब ये है, जैसे हमको लिखा है कि 45 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25, तो 4 में बढ़ाओ 5 का गुणा करा दो, इसी में 4 × 5 = 20 आ गया। ठीक है, ये रूल है। जैसा कि ये वाला पता चलता कैसे, 95 पता चला कि 95 कैसे है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और 9 में 1 बढ़ाओगे 10 का गुणा करा दो, 10 × 9 = 90 ये भी है। ठीक है, अगर कोई इसका तो किनारे वाले का तो कम ही करना है, इसमें 1 बढ़ा करके अगर गुणा हुआ है, यानी 9 और 10 का गुणा है, ये 7 और 8 का गुणा है, सॉरी 8 9 का, 9 8 और 9 का गुणा है, इसमें बढ़ा के गुणा हो रहा है ना, अगर एक बढ़ा के गुणा हो रहा है तो पक्का स्क्वायर बना रहा होगा, इसमें भी हो रहा है, 7 और 8 का गुणा हुआ है, 8 × 7 = 56, ये कैसा था जो 6 का 6 में गुणा हो रहा था, 6 का 6 में गुणा हो रहा था, बढ़ा के पांच का रूल चलता है सर। पहले सर कहीं देखा था नेट पे, तो नेट पे से 4 अंकों वाले कोई संख्या दी हो, अगर उसका मान पूछ रहा हो तो लास्ट के 3 डिजिट का अगर कोई मान बनना हो, डिजिट का आईमा डिजिट यार, हर सबसे सारी डिजिट एक समान होती हैं, वही नहीं, 5 अलग है, 5 के लिए अलग रूल चलता है। ठीक है, सबके लिए अलग रूल चलता है, 9 प्रकार के डिजिट, 10 प्रकार के डिजिटों का अलग रूल सीखो। याद रखो 5 का रूल क्या है कि 5 का स्क्वायर करोगे, 10 जितनी संख्या होगी उसमें बढ़ा के। तुमसे पूछा जाए बताओ इसका स्क्वायर बताओ, ए 5 55 का स्क्वायर पूछा जाए कितना होगा, तो कहोगे 25 5 में 30 ये ऐसी संख्या जो किसी का नहीं है। ठीक है, ए बढ़ा गुणा होता है 5 वाले, आखिरी में 5 था, इसलिए हमको याद हो जाना चाहिए कि एक बगल वाली संख्या जो होगी ना इधर वाली, ये बढ़ा गुणा हुआ तो ठीक है स्क्वायर है वरना नहीं है, इसमें बढ़ा गुणा किए गए तो छसन शक्ति कर दिया था। ये बताओ इसको बांटना भैया, सब लोग बांटो, बांटने वाला दिक्कत नहीं करना चाहिए, सबको आ जाना चाहिए बांटने वाला, पेपर में आए तो सवाल को बार बार के आपस में बांटना, पता चल गया होगा कैसे बांटा जाता है, दोनों भागों में बांटना, पूछो किसमें बांटना चाहिए, छोटा बड़ा भाग बताना। ठीक है,
हो जाना चाहिए। पांच और नौ को बांटना है इसमें चौरासी के हिसाब से, तो पहले पांच नौ देख लो, नौ तो नौ पांच चौदह होता है, यानी चौरासी, चौरासी बांटना कितने बड़ा हो रहा है, छह का। छोटा भाग पूछ रहा, छोटा भाग ये है, छोटे लग रहा है मुझे, बड़ा भाग पूछ रहा, सॉरी बड़ा भाग पूछ रहा, तो छह का छह चौवन। डिपार्टमेंट के वाले जो बिल्कुल छोड़ना नहीं, हाँ ये वाला करो जिसके दम दम हो, ये वाला करो। ऐसे लिखा हुआ है 0.12333 करके, तुल्य भिन्न का क्या है, अगर सॉल्व करा जाएगा तो क्या है, हो सकता है, बी वाला हो सकता है। चलो देखो भाई करते हैं हम भी इसको थोड़ा, देखो यहाँ से एक दो तीन है, तीन के बाद रिपीट होने लगा, तो यहाँ से रिपीट होने लगा, जहां से रिपीट होने लगा बार लग जाता है, कौन सा बार लग जाता है, वन टू थ्री बार लग जाता है। अब भाई इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये किसी प्रकार 123 में जिसपे बार लगा वही कटाया जाता है, पक्का सर आप देख, नहीं 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 कंफर्म नहीं, देखो ये तो पता है जिससे कटाया जा रहा है जिसपे बार लगा, शायद मेरे ख्याल से यही कटाएंगे, उसके बाद में जिसपे बार लगा है उतने जीरो बना देते हैं, ठीक है ये होता है, तो आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। अच्छा काटना भी सॉरी सॉरी मैडम, ठीक है तो इसको काट लो यार, ये मैच कैसे करेगा वो तो ना। अच्छा 900 है, सॉरी सॉरी 12 बजे 900 काटो, चक्कू 12 कोई नहीं है भाई, तुम जगह घटवाए कि जिसके 0.123 उसके बाद बाल लगाया ना, नीचे सौ हो जाएगा ना, सौ या हजार 123 बटे 1000 आएगा, नहीं ये रूल कुछ अलग है, किसमें तीन लगाना है, ये तो कंफर्म है कि 900 होता है, जितने को बार नहीं लगा उतने जीरो लग जाते हैं, और जिस पे लगा तो 9 लिख करके जीरो लग जाते हैं, लेकिन इसमें कितना घटाना है ये ना होगी मुझे लग रहा थोड़ा। सर जी इसमें कहीं वो इसके आंसर सिर्फ कहीं है 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 सब ठीक, मेरे साथ एक साथ एक बटे एक हजार जो चीज जिसपे बार लगा वो नहीं घटाना है, जिसपे बार नहीं लगा वो जिसपे बार नहीं लगा है वो घटाना है, किसपे बार नहीं लगा बार ना, ठीक ये कर लो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है जिसपे देखो रूल ये होता है, अगर तरीके सॉल्व करना हो जो जो जिसपे बार लगा है वो नहीं घटाना है, जिसपे बार नहीं लगा इन्हीं में से वो घटा दो, जिसपे बार नहीं लगा इन्हीं में से वो घटा दो, और जितने पे बार लगा ऐसे एक पे बार लगा तो 9 लिख लो, एक दो पे लगा दो 9 लिख लेते हैं, और जिसपे नहीं लगा उतने 0 बढ़ा लिया, तो इसको सॉल्व कर लो बस, तो 111
भाई ये भाग जाता है किसी से, ठीक है, ये 111 किसी के पहाड़े में आता है काटो, तीन के पहाड़े में आता है, 339 321 300 तीन के पहाड़े में आता है। याद रखना बार वाले सवाल तुम पढ़ा दे, भूल गए बहुत सही है, पढ़ाया नहीं है बार बार, अभी फिलहाल एक चीज याद रखना, ठीक है, जिसका बार लगा है वो नहीं घटाते, जो रह गया वो घटाते हैं, वो संख्या लिखे, जैसे मान लो यहाँ पर लिखी होती है, अरे एक दो क्वेश्चन बता दो, अरे ठीक है ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ठीक है ऐसे लिखा है, उसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, 37 में से 3 घटाओगे और यहाँ पर 9 एक जीरो, जितने अंक रह गए उस पर जीरो, जितने जीरो लगते हैं 9 लिखा जाता है, बाकी उसको जीरो घटाएंगे, अरे जितने बार नहीं लगा वो बता, ये करो सवाल, बांटना है बांटना, एक हाथ हो गया ना बांटने वाले बहुत सारे कर लिए, आपस में किसी चीज को बांटना हो तो क्या करेंगे भाई, 2 5 9 के पास बांटना है तो जोड़ लो, 9 5 14 16 बराबर किसका है, 2500 के, बताओ कितने का गुणा हो रहा है, की बार इससे बराबर नहीं हो रहा, अब ये कह रहा है कि यदि ए का भाग, ए कितना है, ए बी और सी है, अब की ए का भाग बोल रहा है 2500 है, अब की मेरा ए का भाग कितना है 2500, यानी 2 का 2500 बता रहा है, तो कितने का गुणा हुआ है, 1250 का गुणा हुआ है, ठीक है, जो पूछा जाएगा भाई 2 की वैल्यू 2500 है, कितना मतलब कितने का गुणा होके बना होगा, 1250 का गुणा करोगे तो जो पूछा गया उसका गुणा करा दो, क्या पूछा गया है, इसीलिए टोटल गुणा कुल किए है ना, इसका गुणा करा दो 1250 में, तो 16 का गुणा कराओ तो 80, 16 दूनी 32, 8 40, 16 कम 16 4 20, और एक जीरो जोड़ आया तो जीरो कैसे लगा दो, जो पूछा जाए जो दिया जाए उसके सामने हट लो, कितने का गुणा हो रहा उतने का, जितने का गुणा हो रहा उतने का आगे गुणा करा, ये सवाल कोई करेगा, ये फल पहले 2013 में आया था, फल अच्छा इसको नया कुछ कुछ लग रहा है, किलोग्राम चल रहा है क्या, 5 किलोग्राम एक महंगा की द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपया था, एक किलोग्राम के लिए 60 रुपए निर्धारित है, ठीक है, अगर इसके ऊपर ऊपर होता है तो बोला 9 रुपया 48 रुपया, तो कह रहा है एक पार्सल वजन है जिसका पी किलोग्राम है तो कितना मतलब रुपया लगेगा, बताओ भाई 1 किलोग्राम तक का उसको 60 रुपया देना होगा, 1 किलोग्राम जो जरा से ऊपर 48 रुपए के हिसाब से लगाने लगता है, ठीक है, तो कह रहा कितना रुपया देना पड़ेगा भाई, ठीक सी आंसर, तो देखो भाई इसको ऐसे कर लो, जैसे पी किलोग्राम का है, पी केजी ग्राम का है, तो आपको पता है इसमें 1 केजी अगर इसमें से मान लिया 1 केजी तक का कितना देना है, 60 रुपया के हिसाब से, इसके बाद बचा कितना, पी माइनस एक, 1 केजी हटा दो, बाकी कितना बचा, पी माइनस एक, इसमें कितना देना है 48 रुपए के हिसाब से, ठीक है, यही बात है, 1 केजी निकाल लो उससे पी से, तो पी से 1 केजी निकाल लिया तो 60 के हिसाब से देना, कोई बता ही नहीं रहा, 16 लिखे बैठे हैं, 60 देना है 1 केजी के हिसाब से 60 रुपया, बाकी जो बच गया पी माइनस वन, ये हट गया तो पी माइनस वन ही बचा ना, ठीक है, बस ये 60 कैसे गुणा कराओगे, 60 आएगा और इसका 48 का कराओगे तो 48 पी माइनस 48, इसमें भी बड़ा होता है, इसमें भी बड़ा होता है ब्रैकेट के अंदर,
ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस हो जाएगा 60 में से 48 कम जाएगा कितना से 12 ये तो डी वाला आएगा है, तो डी वाला आएगा, तो डी वाला आंसर आएगा लोग का है, तो डी वाला आंसर आएगा लोग नंबर गया क्या करो, पेपर में आया था नया क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा समझा करो ये सब चीजें, अगर मान लो देखते हैं तो हम कर ले जाएंगे। कह रहा कि 1 किलो तक का 60 रुपए लेंगे, 1 किलो के ऊपर जितना होगा 48 रुपए लेंगे। अब जान बुझ के पी किलो दे रहा है, अब पी किलो है तो पी किलो में से 1 किलो बता 60 रुपए हिसाब से लगेगा, 1 किलो निकाल लिया ठीक है 60 रुपए लगा, लेकिन बचा कितना? जैसे कि पी मान लो यहाँ पर मान लो होता कौन कह रहा है 16 किलो क्या हो गया भाई, 16 किलो होता है उसमें से 1 किलो निकाल लो कितना बचेगा, यही 16 माइनस 1 का मतलब 15 किलो बचेगा ना, इसीलिए हम जानते हैं कि पी माइनस कर दिया। अरे राम बताओ भैया इस बिंदु को सबसे छोटी बिंदु में बदल कर लिखें, ये दशमलव है सबसे छोटी बिंदु में बदल कर लिखें, सब लोग कर लोगे ये सवाल हलवा है करना लायक नहीं है, ये लिखा 0.24 ये दशमलव हट जाएगा तो बटे मिल जाएगा वो जीरो बट तो काट लो भाई 12.50 चार से काट रहे सीधा, 2 से काट लो भैया 2 × 4 = 10 फिर आ जाएगा 25 फिर 3 भाग देना सब लोग हटता है जो भी अंकल है उसका तुम्हें जीरो वाला है सब लोग इस बार में ये बताओ ये सवाल में उसका दिख नहीं रहा 7/16 13 7/18 ठीक है जल्दी से बताओ, अरे 18 लिखा है 48 लिखा है 48 बताओ भाई इसको जोड़ा जाए कितना आएगा, कुछ नहीं कर रहा है जितनी जल्दी बता पाओ पेपर समझ लो 7/12 देखो ऐसे करना है जब नीचे कोई हर जो होता है समान होता है तो ऊपर छूट जाता है या घट जाता है ठीक है, हर समान नहीं हर समान कर लिया करो, इसको 48 है 48 बनाना है तुमको इसमें कितने गुणा करा दे 3 का करा दे इसमें 3 का ऊपर भी हो जाएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा ये 21/48 हो जाएगा, 21 7 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 30 नहीं सर 28/48 सेम कर लिया करो, यानी हमको हर बराबर कर देना है, हर बराबर करने से क्या फायदा मिलेगा ऊपर ऊपर वाली चीजें दूर घट जाएंगी, लासा नहीं लेना पड़ेगा, 16 लिखा था 30 का गुणा करा दिया ऊपर भी कराना पड़ेगा, अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है, 48 हो गया 21 7 कितना हो गया 28 28 काट लो इसको दो से काट लेना 14 24 7 और 12 7 12 आंसर आ जाएगा, दो से काटना है 28 की 48 को सभी लोग काट लेते हैं, अगर नहीं काट रहे तो काट लेंगे, ये बताओ करना है 87 सवाल 13/18 में 2/3 घटाना है ना 2/3 घटाना है तुमको 18 बना देना है इसको, अगर 18 बना ले जाते हो बहुत बढ़िया, कैसे बनेगा 18 6 का गुणा करा के इसमें 6 करा दो इसमें करा दो ये बन गया ये कितना अब 18 बन गया सी ये तो सेम नीचे तो 18 बन गया चतुर्थ 12 13 में से 12 देंगे कितना बचेगा 1/18 यानी आपको हर बराबर करना है, क्या करना है हर बराबर करना है, अब लासा लेते घूमोगे कौन गया 18 एलसीएम हो गया तो बात सही है लेकिन टाइम नहीं लगाना है, हर स्कूल दूसरा देखो ये दो लिखा है एक बटा छह इसको सॉल्व करना है, कह रहा इसको सॉल्व करके बताओ तो 1/8 के बाद में कौन सा चीज
डिवाइड का डिवाइड का लगा डिवाइड का है पहले ब्रैकेट वाले सॉल्व करोगे ना डिवाइड कर लोगे भूल यार तो बॉट मास पहले ब्रैकेट तो इनका एलसीएम लेंगे यार ने कौन को क्रॉस गुणा करा दिया करो तो हम ने कुछ बात करेंगे तीन का गुणा इसमें हो जाएगा दो का इसमें हो जाएगा एक बटा आठ लिखा हुआ डिवाइड में तीन का गुणा इसमें दो का इसमें तो कितना हो जाएगा तीन इधर जाएगा दो इधर जाएगा तीन में से दो जाएगा कितना हो जाएगा एक बटा छह छह के छह तीन में छह इनका गुणा हो जाता है ये क्रॉस में चल जाता है ठीक है और इनटू में बटा छह ऐसे लिखा है अब हमको डिवाइड पहले करेंगे गुणा पहले करेंगे तो भाग जब भी होता है तो चीजों को उल्टा इसको भाग को बदल लेते हैं भाग वाले निशान को बदल के गुणा बना लेते हैं ठीक है गुणा बनाएंगे तो उल्टा हो जाता है एक बटा आठ है गुणा बनाएंगे तो छह हो जाएगा उल्टा हो जाएगा गुणा में एक बटा छह लिखा हुआ है अब गुणा को ऐसा होगा छह से कट गया कितना बचा देखो कई बार इतना हलवा सवाल है इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा कि ऑप्शन जो नहीं मैच कराया था इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा इसमें कुछ था ही नहीं पहले ही दिख रहा था आंसर एक बटा आठ ठीक है दूर से दिख रहा है एक बटा आठ यहाँ छह एक बटा छह हो जाएगा मुझे पता था छह से कट जाता है उल्टा हो जाएगा एक बटा आठ बचेगा नहीं कोई दिक्कत वाली बात बताओ भैया भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर नहीं है भाज्य वो संख्याएं होती हैं भाज्य वाला भाज्य संख्या नहीं है भाज्य वो होती हैं जो जो मतलब और भी फैक्टर बनते हैं अभाज्य वो होती है जिनमें से एक ही फैक्टर होता है यानी सिर्फ खुद से करती हूँ तो पूछा गया जो भाज्य संख्या नहीं है अभाज्य जो है जो खुद से करती है इसको चेक करना ऑप्शन से चेक करो ये बताओ किसी पहाड़े में आती है नहीं आती ये वाली किसमें आती है आती है किसी उन्नीस के पहाड़े में ये भी आती है उन्नीस से कट जाएगी ये ठीक है अरे उन्नीस तो पहाड़ा नहीं आता तो बताओ उन्नीस का होता नहीं छका सत्य होता नहीं सत्य हमको भी नहीं आता ना मुझे दे दो ये किसके पहाड़ी में आता है ये जानबूझ के वो संख्या है जो आभास संख्याओं से देखना भाग जा रहा होगा ठीक चेक कर लो तुम लोग कभी बाई चांस टीचर बनेगा तो तुम लोगों को तो नहीं आएगा मुझे सुनाओ तुरंत थोड़ा तेज सुनाना आपके यहाँ बताइए चलो भाई 433 देखो किसके पानी में आता है नहीं कटेगा अगर किसी के पहाड़े में जो संख्या नहीं कट रही वही हो गया आवाज ठीक है अगर कट रही तो ठीक चेक कर लेना फिर दोबारा चेक कर लो अगर किसी के पहाड़े नहीं आते तो वही आंसर सही क्योंकि अभाज्य संख्या पूछ रहा है तेरा भाज्य नहीं है तो अगर भाज्य नहीं है तो अभाज्य है अभाज्य वो संख्या जो 833 भी आता है 833 किसके ना था 7 से कट रही है 7 से ना बस हो गया काम ये आंसर है ठीक है सब पहाड़े में आते हैं ये किसी पहाड़े नहीं आता है
400 देते किसी के पारे से नहीं सोचना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं। ये वाला बताओ ऐसा कौन कटोरी वाले, चलो ट्रिक बता देते हैं ठीक है। कह रहा है ये फैक्टोरियल दिया गया है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 98 तक है, 5 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा। देखो भाई सुनो, बता ही देते हैं, डायरेक्ट सवाल है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जीरो का तो कुछ नहीं होगा, वन का जैसे फैक्टोरियल है तो इसका मतलब था वन बार, ठीक। टू का अगर फैक्टोरियल है तो इसका मतलब वन गुणे टू, ठीक। थ्री का फैक्टोरियल है तो मतलब वन गुणे टू गुणे थ्री, फोर का फैक्टोरियल है तो यानी वन गुणे टू थ्री गुणे फोर, ठीक है। अब पांच का फैक्टोरियल है तो कितना आएगा, तो भाई बताओ आंसर किसका, इसका तो वन आएगा, इसका आएगा दुई, तीन गुणे छह चार बारह चौबीस, और ये कितना आएगा 120। यहाँ तक क्यों लिखा है, इसके बाद में जब भी तुम कहीं पर छह का फैक्टोरियल लिखाओगे तो उसमें पांच आएगा, सात वाले में भी पांच आएगा, हर किसी में पांच आएगा, तो आगे के में जितने भी होंगे उसमें पांच से भाग जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, कोई शेष बचेगा नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा भाई। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि वहां से लगा करके वहां तक जुड़ा, पांच का फैक्टोरियल निकाला तो एक से पांच तक का बुरा, छह का फैक्टोरियल निकाला एक से छह तक का बुरा, सात फैक्टोरियल निकालना हो तो एक से सात तक बुरा, जब सात तक बुरा कराओगे तो उसमें पांच आएगा, और पांच आएगा तो पांच से भाग नहीं जाएगा भाई, जिसमें पांच होगा उसमें पांच से भाग जाएगा, तो इसके बाद जितनी संख्याएं आएंगी वो पांच से भाग चली जाएगी, यानी पांच इसमें भी पांच का भाग जाएगा, याद रखना। इस यहाँ तक की संख्याओं का खेल था, बाकी सब फर्जी है, बाकी सब में कोई शेष नहीं बचेगा, पांच से पूरा भाग चला जाएगा। अब जोड़ना था, इसको जोड़ना था, इसको जोड़ना, उसको जोड़ना था, अब इसका फैक्टोरियल तो जीरो होता ना, ये इसको क्या करेंगे, तो इनको जोड़ लो भाई, कितना रहा देखो, जीरो प्लस एक प्लस दुई प्लस छ प्लस चौबीस, इनको जोड़ लो, पांच से भाग दे दो, बाकी अगर संख्याओं में भाग दोगे तो जीरो और ही आएगा इस पर, क्योंकि सब में पांच होता है, 120 में पांच का भाग नहीं जाएगा, जिसमें भाग चला जाएगा वो क्यों लिखेंगे, शेष हमको पता करना है ना, तो तीन छह तीन नौ, नौ चार तेरह, 33 आया ना, 33 आया, पांच से भाग दोगे शेष कितना आएगा बताओ भैया, तीन पांच का 30, तीन शेष आएगा, याद रखो डरा रहा सवाल, बस और कुछ नहीं कर रहा, मेरे को समझना है, पांच से भाग फैक्टोरियल में पांच तक के में तो नहीं आएगा, लेकिन पांच के बाद पांच में तक चार तक के में नहीं आएगा, पांच में भी पांच आता है, छह में भी पांच आता है, सात में भी पांच आता है, फैक्टोरियल सात में भी, तो पांच जब आ ही रहा है तो पांच के बाद जाने जाना है, शेष वैसे कुछ नहीं बचना, बाकी जोड़ लेंगे। टाइम डिलेशन वाले सवाल दे देते हैं, चलो करो, 2013 का है, मैंने कहा था पिछले पेपर की लाइन कुछ नहीं, इसलिए बोर नहीं होना, जो एक दिन मैराथन होती अब की बार पेपर हो रहा है, और मैराथन ना हो, पेपर भी करा रहे हैं आप लोग, पेपर खराब ही कर देते हो, लेकिन पेपर आपके पास रिटर्निंग होगा, मन से देना, अब एक दो महीने में डेढ़ महीने जो क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही कराया जा सकता है। एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपया है, हर साल 12% घट जाता है, हर साल 12% घट जाता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, 50,000 था इसमें 12% घटा दो, जितना बचेगा फिर से 12% घटा दो, ठीक है, जितना बचे वही आंसर, यही आंसर हो जाएगा, 12 50,000 का 12% निकाल लो, घटाओ कम हो रहा ना, तो 50,000 का इसे निकाला जाएगा 12%, याद रखो जब परसेंट निकाल लेना तो 2 जीरो तो खत्म हो जाता रहेगा, तो 6,000 होता है, 2 जीरो कम हो जाएंगे, 12 का 5 में गुणा कराओ तो 12 60 6,000 हो जाएगा, तो कितना बचा, 6,000 कम हो गया, कितना 44,000, 44,000, ठीक है, 6,000 कम हो गया, 50,000 में 6,000 कम हो जाएगा, 44,000 बचेगा, अब 44,000 में फिर से 6,000 मिलेगा, कम कर दो,
तो भाई 2-0 खत्म कर दो यहाँ से पहले ही, परसेंट लगा हुआ 2-0 खत्म। बच्चों 48 और बच्चों 48 और 4 52, यानी 5280 कम कर दो, 5280 कम करो भाई, वही आंसर। जब ऐसे सवाल हो तो ऐसे कम कराते जाना, 5280 कम करो, 0 10 में से 8 चले गए 2, 9 में से 2 चले गए 7, और यहाँ पर 3 13 में से 5 चले गए 8, 38720 रुपया का बचा है, 38720 रुपया का बचा है। ठीक है, 1 रुपया का स्कूटर मिल जाएगा अगर हर साल 12% कम हो रहा है, और किसी का परसेंट निकालना हो तो नहीं निकल रहा तो समस्या है, निकाल दो टोटल करो ये बताओ आंसर, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया तो शेषफल कितना आएगा? आया बोलिए सी, कोई 3 अंकों वाली संख्या है, सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या क्या होगी? सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या सिर्फ ये होगी, तो होगी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या ये होगी, और इसलिए 13 का भाग जाता नहीं, 13 सबसे छोटी संख्या जो 13 से भाग जाए, 13 को आएंगे 100 के ऊपर कौन सी संख्या आती है? 104, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी हो जाएगी? संख्या 104, ये हुई जाके 13 से भाग जाने वाली। अब इसमें कह रहा 16 से भाग दो तो कितना शेष आएगा? भाग दे दो भाई 16 से, 16 का भाग दो, 16 अंक का भाग आता है, आता है 16 कितना होता है? 16 चक्का 96, तो कितना रह गया? 16 चक्का 96 8 रह गया। ठीक है, 16 चक्का 96 होता है, 96 होता है, कम कर दोगे तो 8 रह जाएगा शेष। सही है, आप तो आप सही बता रहे हो, ठीक 104 में भाग दिया 16 का, इनका दिमाग नहीं है। चलो ये वाला, अरे एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसके अंक कितने रहे? घने रहे। पांचवे विषय में अजीत उसके अंक ज्ञात करे, ये भी 18 में आया था। अब तुमको लग रहा है पेपर में आएंगे कमी होगी, कर लेंगे दो तीन बार मेरा था मिला ही कर लोगे। देखो भाई, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, मान लो कि 100 नंबर का पेपर है, ठीक है 100 नंबर में मान लिया, क्योंकि परसेंट का खेल है तो 100 मान लिया, तो पांच सब्जेक्ट मान लो, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, पांच सब्जेक्टों में कितने हो जाएंगे? पांचों सब्जेक्ट 500 नंबर के हैं, ठीक है कितने नंबर के? 500 नंबर। ये पाया कितने नंबर है पांचों में? एक में पाया है 79, एक में 81, 94, और बस 4 में पाया है। जरूरी नहीं है कि आप लोग मतलब कुछ भी मान सकते हो, हम तो 100 मान लिए, ज्यादा आसान रहता है, तो 0 लगे होते हैं, जोड़ो भाई कितने हो रहे हैं? 100
सौ इसलिए माना कि सौ में से कुछ पाया है, सही रोड 342 नंबर, 342 नंबर है, कितने कम पाया है इससे, मतलब कितने परसेंट रह गए हैं जो बाकी 382 नहीं सुनो, क्या पूछ रहा है कि पांचवे विषय में अर्जित अंक बताओ, 342 सुनो टोटल का उसने कर कितने पाए थे 85% टोटल के 85% पाए हैं पांचों सब्जेक्ट में, चार में इतने मिले हैं, इसका 85% कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हो 500 का 85% कितना हो जाएगा 50, 25, 40, 42 यानी 425 हो रहे हैं, तो पांचवे में कितने मिले होंगे, अंतर कितने का है, पांच में से दो गया तीन, 12 में चार गया 83% अंतर है, बस हो गया। आज जो भी मानना इसकी इच्छा करे वो मान सकता है कि एक सब्जेक्ट में कई नंबर रहता है, 100 मानोगे तो आपको फायदे भी है, 100 नंबर का एक पेपर था, पांच क्वेश्चन पांच सब्जेक्ट थे, पांच नंबर के थे, उसमें से 85% नंबर पाया वो, नंबर हो गए 425, जिसमें के चार का दे दिया, चार के नंबर मिले थे 342, तो पांच में कितने रह गए 83 नंबर रह गए, ठीक है, क्योंकि ये पांचों का था ना, ये तो पांचों का था, चार का ये बीच का जो रह गया पांचवे का ही रह गया 83, आपको लग रहा होगा सो ही को माना, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, जब 1000 मानोगे तो 1000 का 85% निकालना पड़ेगा, तो फिर आएगा तो वही कुछ भी मान लो, नीचे दी गई संख्या में कौन सी वर्ग संख्या नहीं है बताओ, तो कर लोगे अभी ये पढ़ा चुका लोग अभी बताएगा पांच वाले मीटर में कि बगल वाली संख्या है 25 नहीं, वेरी गुड, ठीक है, इसमें भी 3×12 है, इसमें भी 4×5=20 है, इसमें भी 7×6=42 है, ये 25 कर लोगे, मैंने बताया था कि ये बगल वाली संख्या जो दो लिखी है इसमें एक बढ़ा के गुणा हुआ होगा तो वही स्क्वायर नहीं होती, एक वही स्क्वायर होती है 7×42 4×5=20 3×12 25 तो आता ही आता है, पांच वाले यही एक है 25, एक सवाल खराब के टाइम का ये क्या है, वो बड़ा है 20 बुक और बड़ा उसे बांटे गए प्रत्येक बच्चों को मिली, कोई नई कहानी है बस देखो करो रिपोर्ट, कोई नहीं भले बाद में दोबारा करा रहे, भैया द्विघात समीकरण टाइप का लग रहा है क्या, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए हैं, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 है, यानी यदि एक बच्चे को x नोटबुक मिली है तो बच्चों उसकी संख्या कितनी होगी, यदि बच्चों की संख्या आधी होती प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, हो जाएगा सवाल याद रखो, ऐसे सवालों में हमेशा भी बताया मेरे तुमको, ऐसे सवाल में बताया कि ये लैंग्वेज दिखे तो ये हमेशा घन होता है आंसर, घन 8 का मतलब ये जो भी ऑप्शन है अगर घर में है तो ठीक है, ये 500 वाला किसी घर होता है, आठ का होता है ना, अभी करवा देते हैं, ऐसे सवाल हो तो मतलब आपको ट्रेन भी लगानी भाई है, और कोई घर नहीं है, घर के रूप में कोई लिखा नहीं है, ये सवाल ये बोल रहा है कि एक मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक, मान लो प्रत्येक बच्चे को मिली, प्रत्येक बच्चे को x मिली है नोट है, x मतलब किताबें मिली है, कह रहा जितनी किताबें उनको मिली है उसका 1/8 बच्चे संख्या है, बच्चों की संख्या कितनी है, संख्या इनकी कितनी है, ये नोटबुक की संख्या है, नोटबुक अगर x मिली है तो बच्चों की संख्या बोल रहा है कि 1/8 है, 1/8 वो कह रहा है ना
क्योंकि नोटबुक की संख्या का नोटबुक की संख्या का है एक्स आर टी बटा नोटबुक की संख्या का है एक बटा आठ तो मतलब एक्स बटा आठ नोटबुक की संख्या कितनी एक्स है एक्स का एक बटा आठ करोगे तो एक्स बटा आठ आएगा ना भाई संख्या नोटबुक की कितनी एक्स है एक्स का एक बटा आठ करोगे कितना आएगा एक्स बटा चलो ठीक है देखो x बटा आठ हो गया बच्चों की संख्या इतनी है नहीं बच्चों के नोटबुक एक बच्चे को x नोट मिली है और संख्या इतनी है तो टोटल कितनी हो गई भाई टोटल बुकें कितनी हो गई टोटल कॉपियां कितनी बांट गई कोई बताएगा प्रत्येक बच्चे को x नोट मिली बच्चे इतने हैं तो हर बच्चे को मतलब एक बच्चे को x मिल रही इतने बच्चे हैं तो बुरे क्यों होता है जैसे एक बच्चे को 20 रुपया मिल रहे हैं चार बच्चों को कितने मिल रहे हैं 8 रुपया चार रुपया बुरे होता है तो टोटल नोटबुक की संख्या कितनी हो जाएगी x बटे 8 बुरे x यानी कितना हो जाएगा x स्क्वायर बटे 8 ये हो जाएगा ये बात पहली बात थी अब कह रहा है कि यदि बच्चों की संख्या आधी होती यदि बच्चों की संख्या आधी होती यदि बच्चों की संख्या मेरा आधी होती आधी मतलब x बटा 8 थी पहले भी यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नहीं मिलते ठीक है 8 इसका आधा कितना करोगे संख्या पहले कितनी थी x बटा 8 है ना आधी करोगे तो याद रखना कि कभी भी बटे का आधा कराया तो बटे में ही 2 का गुणा होता है आधी करोगे ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा यदि बड़ी होती एक बटे 16 तो कह रहा हर बच्चे को कितने नोटबुक मिलती 16 मिलती हर बच्चे को संख्या इतनी इतनी ये चीज बिल्कुल बराबर है पहले जितनी मिल रही थी हर बच्चे को कितने मिले 16 मिल बच्चों की संख्या इतनी हर बच्चे को मिले दिखा है ठीक है बच्चों की संख्या इतनी है हर बच्चे 16 मिल रही है ये भी नोटबुक है टोटल ये भी नोटबुक टोटल ये दोनों दूसरे बराबर हो गए एक्स बटे 16 गुणे में 16 भाई कुछ गड़बड़ हुआ है कहा तो ये x से x कट जाएगा तो x बराबर तो 8 आएगा हाँ ठीक है अरे वीडियो क्या बना लेते मेरा तुम लोग सर वीडियो बनवा रहा है